हेलो फ्रेंड्स, आज हम छेना बनाएंगे। मैंने यहाँ पर एक लीटर गाय का दूध लिया है। गाय के दूध से जो छेना बनता है वो सॉफ्ट होता है, तो गाय का दूध ही लेना। मैंने यहाँ पर गोकुल का दूध लिया है, आप किसी भी ब्रांड का दूध ले सकते हो। छेना से कई सारी मिठाइयाँ बनती है, तो वो छेना कैसे बनाते हैं ये आज हम देखेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिए। दूध को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। आज हम एक लीटर दूध का छेना बनाएंगे, आप आधा लीटर का भी बना सकते हो। दूध को एक बर्तन में निकाल लिया है, अब इसे हम साइड में रखेंगे। उसके बाद हम एक मेजरिंग कप लेंगे, 1 कप बड़ा वाला कप। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप इस साइज का ग्लास भी ले सकते हो। उसके बाद मैंने 4 टेबलस्पून नींबू का रस निकाला है, 4 बड़े चम्मच। इसे हम मेजरिंग कप में डाल देंगे। इसके लिए मुझे 2 बड़े नींबू लगे। ऊपर से हम पानी डालेंगे, तो ये हो गया हमारा 1 कप वाटर सॉल्यूशन। नींबू की जगह आप विनेगर भी ले सकते हो। विनेगर आपको 4 बड़े चम्मच लेना है, 4 TBSP, या फिर सैट्रिक एसिड भी ले सकते हो। सैट्रिक एसिड आपको 1/2 TSP लेना पड़ेगा। इसे अच्छे से मिक्स किया है। अब हम दूध के पतीले को गैस पर रखेंगे, फ्लेम को हाई रखा है। दूध को हम चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे। दूध नीचे लगा तो छेना का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा आता है। मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, उस पर एक छन्नी रखेंगे और छन्नी के ऊपर एक कपड़ा, ये पहले से ही तैयार रखे। आप देख सकते हो दूध को उबाल आ गया है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे। हमने जो वाटर सॉल्यूशन बनाया था वो इसमें थोड़ा सा डालेंगे और चम्मच से हिलाएंगे इस तरह से। फिर से थोड़ा सा वाटर सॉल्यूशन डालेंगे, इसे हमें 4 हिस्सों में डालना है। फिर से डाल लेते हैं। देखिए अभी तक दूध नहीं फटा है, हम अब तीसरी बार डालेंगे। देखिए आप देख सकते हो दूध फटने लगा है, लेकिन फिर भी हमें पूरा वाटर सॉल्यूशन इसमें डालना है, तो अब हम पूरा बचा हुआ डालेंगे। देखिए छेना और पानी अलग हो गया है। अब इसे हम छन्नी में डाल देंगे। छानने से छेना और पानी अलग होगा, तो हम पूरा इसमें डाल लेते हैं। पानी का इस्तेमाल आप आटा गूंदने में कर सकते हो, इससे रोटी में अच्छा स्वाद आता है। अब हम छेना को वॉश करेंगे। वॉश करने से इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी। और हमने जो वाटर सॉल्यूशन डाला था, नींबू का थोड़ा सा खट्टा टेस्ट इसमें होता है, तो वो भी निकल जाएगा, इसलिए वॉश करना ज़रूरी है। छेना को हमने अच्छे से वॉश किया है। आपको रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब हम छेना में से पूरा पानी निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से करना है, और निचोड़ के इसका पूरा पानी हमें निकालना है, इसमें बिल्कुल ही पानी ना रहे। पानी निकालने के बाद हम इसकी एक पोटली बनाएंगे। छेना में से पूरा पानी निकाल दिया है और इसकी एक पोटली बना दी है। इसे हम आधा घंटा ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसा करने से इसका पानी पूरा निकल जाता है और रेसिपी बनाने में आसानी होती है। आधा घंटा हो गया है तो हम इसे निकालते हैं। देखिए इसका एक गोला बन गया है। देखिए ये पूरी तरह सूखा है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, तो हमें ऐसा ही चाहिए। समर सीजन में आप इसे 20 मिनट रेस्ट कराएं तो भी काफ़ी होता है। तो इसे हम अलग करते हैं। हमारा छेना बन गया है, आप इससे कोई भी स्वीट डिश बना सकते हो। थैंक यू।